आप लोगों को याद है कुछ सालों पहले जियो आया था और जियो ने पहले 3 महीने सबको फ्री में कनेक्शन दिया था फॉर इंटरनेट. दे मेड यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इंटरनेट एंड दैट टू बी चीप इंटरनेट. इनफैक्ट आई वुड से कि अगर इंडिया का एक ऐसा बंदा जिसने इंडिया को डिजिटल सेवी बनाया है वो है मिस्टर मुकेश अंबानी. अब एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं मिस्टर अंबानी और उसकी बात करेंगे. अभी ये न्यूज में आया, आई डोंट नो हाउ मच विल बी करेक्ट एंड हाउ मच विल नॉट बी, बट व्हाट आई एम हियरिंग कि अभी क्या सुनने में आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स हैज अ बोल्ड एंट्री. वो कैसे होगा कि जियो फाइनेंशियल्स हैज बेसिकली गॉट एन अप्रूवल फॉर रेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 49% अप फ्रॉम 17.55%. राइट, पहले क्या था, इनको केवल 17.55% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जियो में अलाउड था. दिस कुड प्रोबेबली ब्रिंग इन अबाउट 65,000 crores एडिंग टू द करंट इन्वेस्टमेंट पाइल ऑफ 1,33,292 crores. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप समझते नहीं है तो मैं आपको आराम से समझाती हूँ. पहले हिंदी में भी बात करते हैं कि जियो में जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है 17.55% से बढ़ के 49% हो जाएगा. अब इसमें 65,000 करोड़ और ऐड हो जाएंगे और इसका मतलब कि जो इनका टोटल इनके पास जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,33,292 crores. Now the massive war chest. If they sell up to 49% to foreign investors, Jio Financials Limited could be sitting upon a whopping 1,98,292 crores. Looks like Mukesh Ambani is ready to make another big move, this time in the financial sector. वो कैसे, उसकी बात करते हैं. Now अगर बात करते हैं तो Jio Financial Limited, part of the Reliance Industries, is set to disrupt the home loan market, challenging heavyweights like SBI, HDFC, and ICICI. कैसे? This particular move which Jio may make will focus from secured lending and digital banking to home loans, signaling a significant shift in financial services portfolio. तो अब क्या प्लान कर रहे हैं इतना बड़ा, जब उनके पास 2 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे क्या करेंगे उसको, वो चीप लोन प्रोवाइड करेंगे. Jio is going to provide cheap loan, so that means which segment is going to be affected? It's going to be the home loan providers like SBI or HDFC or ICICI. The biggest players are going to be massively hit by this particular move. So how the cash pile will fuel the growth? They are going to provide the lower loan rates. वो कैसे होगा? With this massive capital, JFL can offer loans at lower interest rates, much like Jio Telecom offered free or cheap services to capture market share. Debt-free growth, because they don't have, this is not going to be a debt, there is going to be a partnership. Matlab money will be invested without any interest, so they can provide cheap loans to people. आप समझे मेरी बात की नहीं? अगर जियो पैसा बोरो कर रहा है या उनके पास पैसा आ रहा है जिसपे इनको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, लाइक बैंक अगर आपसे बोरो करता है, जो लोग अपनी एफडीज रखते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट देता है और उस पैसे से लोन दूसरे लोगों को देता है. बट यहाँ क्या हो रहा है, जियो जो पैसा लेके आ रहा है उस पे उसको कोई लोन नहीं देना है, बट दे आर गिविंग दिस एज अ लोन ऑन अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. दे विल बी एबल टू गिव इट मच चीपर. सो विद दिस मैसिव कैपिटल, जेएफएल कैन ऑफर लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, much like how Jio Telecom offered, right? Now debt-free growth. Since this capital is raised, not borrowed, ध्यान करिएगा ये raise की हुई capital है और borrowed. JFL isn't paying interest on it, allowing them to undercut competitions with ease. This is going to be a massive, massive move. अगर हम बात करते हैं कि the Jio Financial app की, तो beta launch on May 30th, 2024, JFL launched the Jio Financial app in beta mode, quickly reaching over 1 million downloads. अब बात करेंगे डिजिटल इंटीग्रेशन की. दिस ऐप इज सेट टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ जीएफएल्स होम लोन सर्विसेज, ब्लेंडिंग सीमलेस डिजिटल सॉल्यूशंस विद कॉम्पिटिटिव लेंडिंग रेट्स. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इनकी BlackRock जॉइंट वेंचर, जीएफएल इज पुशिंग फॉरवर्ड्स विद जॉइंट वेंचर विद BlackRock, ईच इन्वेस्टिंग $150 million to disrupt the investment product market. Jio Insurance Expansion. Jio Finance Insurance Broking Limited, JIBL, has expanded its insurance offering, partnering with 31 insurers to deliver integrated solution via the Jio Finance app. Look at imagine the magnanimity of this app. Challenges and the market reactions. Q1 of financial, despite the excitement of JFL, reported a 6% drop in net profit in Q1 of 2024, with shares dipping by 1.21% on the BSE. Market speculation की बात करें, with some remain cautious, others see JFL's entry into home loan sector as a potential game changer and that could reshape industry. अगर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट की बात करें तो इट्स गोना क्रिएट अ डिस्ट्रप्शन, राइट, जस्ट लाइक जियो टेलीकॉम. तो इसका मतलब क्या होगा? JFL's strategic moves could make traditional financial players sweat, offering consumers better options at lower cost. As JFL continues to roll out its home loan offering, all eyes are on how will this reshape the competitive landscape, particularly for traditional banking giants. So now what I really want to show you, let's go and see what is happening in Jio Finance today. Jio Fin में आज क्या हुआ? I would like to show you that. जियो फिन आज जो है बॉटम लेवल से जो है इसमें बाइंग आई है. यू कैन हैव अ लुक एट इट कि जियो फाइनेंशियल्स ने, अगर हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, तो एक बॉटम क्रिएट किया है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज बीन क्रिएटिंग अ बॉटम. यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया जियो फिन ने 320 पे, और आज के दिन इसने अपने पास्ट कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है एट अबाउट 337 एंड क्लोज्ड एट अबाउट 345. अब इसमें जो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आप 350 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. एवरी ड्रॉप, एवरी डिप टिल अबाउट 300 कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट मोर. आपका फर्स्ट टारगेट इसमें रहेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर. पहला टारगेट रहेगा 360, 370, 380, और फिर ये अगर अपने हाई को क्रॉस कर जाती है, which is 392, 393, 400 का टारगेट इजीली क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा उसके बाद. और फिर आपके पास जो है डोर्स खुल जाएंगे टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 425, 450, 460, 480 एंड 500. Right, the news is pretty solid and the interest of people will also be solid in the market, but you got to be careful. As I told you कि अपने कैपिटल को आपको मैनेज करना है. एवरी टिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. अब आप डिफाइन करिए, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आप उसमें से कितना पैसा भी लगाएंगे, कितना अगर ये नीचे गिर जाता, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं है. निफ्टी इज एट लाइफ टाइम हाई, राइट, और थोड़ा करेक्शन आना पॉसिबल है. एज आई टोल्ड यू, अगर कल निफ्टी नीचे खुलती है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2 सितंबर 2024 को, और निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुलती है, तो there could be a correction. So be aware about all the market dynamics. और अपने मनी को मैनेज करेंगे तभी आप पैसा बना सकते हैं. नहीं तो आप ये सोचते हैं कि आज ही सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दें. Then be assured that you will never be able to successful trader, because जब आप सारा पैसा एक ट्रेड में लगा देंगे तो क्या होगा, आपको बहुत बड़ा रेड, अगर सपोज नीचे थोड़ा करेक्शन होता है, थोड़ा आपको रेड दिखाई देगा, and then you will not be able to bear it and you will exit your positions in loss. जब आप लॉस में exit करोगे, आपका mental setup खराब होगा. So don't do that. Positional sizing is the biggest thing in the stock market. तो उसको maintain करिए, वो extremely important है आपके लिए. नहीं तो आप हमेशा लॉस में ही क्लोज करेंगे. Take care. Bye bye.